हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये देखिए, मैंने एक कंप्लेंट सॉल्व करने आया था। इसका सिग्नल आउट था, ठीक है, तो मैंने इसका सिग्नल सेट कर दिया है और इसमें सिग्नल भी आ गया है। करीब 100% सिग्नल आ गया है, ठीक है। ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, सिग्नल टेस्ट करके दिखाया आप लोगों को, ये 90% सिग्नल है, ठीक है। ये देखिए 90% सिग्नल है और इसमें सिग्नल सही हो गया है। और इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे मास्टर रीसेट करना है। ये देखिए, जो रिमोट पे सेटिंग बटन है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए रिमोट पे, ये देखिए सेटिंग बटन, ठीक है, ये वाला है। ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। रिमोट पे एक सेटिंग बटन है, उसे प्रेस करेंगे। उसे प्रेस करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। सिस्टम सेटिंग ओके करेंगे यहाँ पे, और सिस्टम सेटिंग ओके करने के बाद पूरा लास्ट ऑप्शन है, देखिए, मास्टर रीसेट, ठीक है। ये मास्टर रीसेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मास्टर रीसेट क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, वार्निंग, दिस ऑप्शन विल रिस्टोर योर सेट टॉप बॉक्स डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है। मतलब आपका पहले जैसा सेटिंग था वो सेटिंग पे आ जाएगा, ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यस गो अहेड पे ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। फिर देखिए क्या लिखा, प्लीज वेट द सेट टॉप बॉक्स विल रिस्टार्ट इन ए मोमेंट, ठीक है। तो अभी हालत में अभी कुछ नहीं प्रेस करना है, यह अपने आप चालू होगा। फिर आप लोगों को मैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन बताऊंगा। यहाँ देखिए सेट टॉप बॉक्स में भी इसका लाइट ब्लिंकिंग होगा, ठीक है, ऐसा 2-4 बार ब्लिंकिंग होगा, फिर यहाँ पे उसका प्रोग्राम आने लगेगा। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे टीवी पे ऑप्शन आ गया है, ठीक है। लैंग्वेज सेटिंग, इसका जो भाषा सेटिंग है ये हिंदी में लिखा है। आप लोग को अगर हिंदी पसंद है तो हिंदी रखिए, नहीं तो इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश रखिए, नहीं तो जो भी आपको पसंद है, ये तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उस पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे अंग्रेजी कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश। फिर मैं ओके प्रेस करूँगा, ठीक है, ओके प्रेस किया। फिर देखिए इसका लैंग्वेज चेंज हो गया, ये इंग्लिश हो गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं फिर सिलेक्ट बटन प्रेस करूँगा, यहाँ नीचे देखिए लिखा है सिलेक्ट नेक्स्ट स्क्रीन, तो यहाँ पे सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है। मैं तो नेक्स्ट सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए इसका सेटिंग आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है LNB सेटिंग, ठीक है, और उसके नीचे लिखा है इनपुट सोर्स। इनपुट सोर्स जो है वो LNB रहेगा। कोई कोई क्या करते हैं, इसमें ये कर देते हैं 60 CR, नहीं तो सुपर LNB, ये सब कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये LNB रहेगा, ठीक है। उसके नीचे देखिए यूनिवर्सल, ठीक है, जो LNB टाइप है ये यूनिवर्सल रहेगा। और जो लो बैंड फ्रीक्वेंसी है वो रहेगा 9750, ठीक है, 9750। और हाई बैंड फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगा 10600, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पे। मैं सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे टिक का निशाना लगा हुआ है, टिक मार्किंग हुआ है, तो उसी पे हम सिग्नल देना है हमें, ठीक है। पहले उसी पे देके देखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी पे ये G7K9 होम पे रख के सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे अभी क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और इनका सिग्नल भी आ गया 90%, ठीक है, जो पहले सिग्नल था वही सिग्नल आ गया है। अब थोड़ी देर रुकना है हमें यहाँ पे, यहाँ पे नीचे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ओके लिखेगा, तब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। ये यह देखिए सिलेक्ट फॉर नेक्स्ट स्क्रीन लिखा है, तो अभी हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं सिलेक्ट पे 2-3 बार क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है, फिर अपने आप आने लगेगा। तो ये देखिए इनका प्रोग्राम आ गया है, अभी